नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कैरियर्स 21 ने ये टारगेट किया कि हमारे अंचल के जो बच्चे हैं उनको अपने कैरियर के बारे में सही गाइडेंस मिल नहीं पा रहा, इसलिए हमने कैरियर फेयर लगाया है जिसके माध्यम से हम इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बंदों को हमने यहाँ बुलाया है ताकि जो बच्चे अपने पढ़ाई के बारे में उनसे वन टू वन इंटरेक्शन कर सकें, उनसे डिटेल्स जान सकें कि वो पढ़ाई वो कैसे कर सकते हैं, उसका कोर्स फी क्या है और उसके पढ़ने के बाद उनका भविष्य क्या है। क्योंकि बच्चे यहाँ से पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली जाके वन टू वन बात नहीं कर सकते, इसलिए वन प्लेटफॉर्म में सबको इकट्ठा किया गया है। इस अंचल के सभी बच्चे आएंगे 7 या 8 जनवरी को और यहाँ पे आके अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो सबसे पूछे। मैं अरुण बत्तिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं चेयरमैन एजुकेशन। यहाँ पे कैंपस लगाया गया आप लोग को, किस लिए यहाँ पे आज ये कैंपस लगाया गया? आज ये कैंपस लगाया गया है कि क्योंकि यहाँ पे आसनसोल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बाद में करियर में आगे क्या करना है ये सब प्रॉपर कोई सोच नहीं था, तो उन सोच से ही ये ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत अच्छा एजुकेशनल फेयर ये अरेंज किया हुआ है। और वी आर फ्रॉम कोलकाता, वी आर टेक्नो इंडिया ग्रुप, वी आर प्रोवाइडिंग BBA एंड MBA कोर्सेज। तो जाके कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th में है, 12th के बाद कौन सा ट्रेड में जाना चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन के अलावा और कौन कौन सा ट्रेड में जाने के बाद ओपनिंग ज़्यादा रहता है, तो दिस इज द पर्पज। स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा होगा? स्टूडेंट को ये सब फ़ायदा होगा कि बिल्कुल अगर आप सही चुनोगे तो ही आप लाइफ में कामयाब रहोगे। तो इतने सारे अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आफ्टर 12 मुझे कौन सा दिशा में जाना है, मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को अभी पता ही नहीं है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन के अलावा भी बहुत सारे एजुकेशनल ऑल्टरनेटिव स्टडीज़ है जहाँ पे जाने से आपका करियर में एक अच्छा बहाव रहेगा। तो दिस इज़ द पर्पस। आपके इंस्टीट्यूट जो है वो क्या सुविधा देंगे मतलब स्टूडेंट को? स्टूडेंट को सुविधा मिलेगा, वी आर प्रोवाइडिंग द वी आर द मोस्ट रिनाउंड एजुकेशनल सेक्टर इन ईस्टर्न रीजन। तो अगर स्टूडेंट MBA और BBA के लिए टेक्नो इंडिया में आता है तो कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड उसका जो ओपनिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज वेरी मच इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो इंडस्ट्री बिजी रहेगा, एजुकेशन में जो नॉच रहता है टॉप नॉच क्वालिटी का वो एजुकेशन रहेगा, पर्सनल ग्रूमिंग रहता है, तो उसके बाद भी मान लीजिए बहुत सारे स्कॉलरशिप रहता है। तो ये सब अगर जो कोलकाता में आके उसका जो इंडस्ट्री के साथ जो कनेक्शन रहता है उसका एक बीच हम लोग है, तो बाद में जब वो इंडस्ट्री में जाएगा काम के लिए तो ये जो ग्रूप है ये बीच उसके लिए उसका काम करेगा। आपका परिचय? मेरा नाम है बिलोतो चटर्जी, आई एम द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ इंटायर MBA एंड BBA डिपार्टमेंट ऑफ अंडर मकाउ इन टेक इंडिया। थैंक यू। हम लोग एजुकेशनल फेयर अटेंड करते हैं हर साल में, हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से हैं, हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है ये मैकआउट एफिलेटेड है जिस रिकॉग्नाइज एसडी अप्रूव्ड है, तो हम लोग यहाँ से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है हर साल में, तो इसमें हम लोगों को फायदा होता है कि स्टूडेंट्स भी आता है इंक्वायरीज के लिए हम लोग के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि हम लोग के कॉलेज में वो मैनेजमेंट बेस्ड जो है कोर्सेज है वो सब अवेलेबल है जिसमें कि BBA MBA से लेके BBA MBA एंड BTTM हर तरह का हम लोग का कोर्सेज, टूरिज्म के ऊपर भी है इस तरह का, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के ऊपर है इस तरह का, हम लोग का कोर्सेज अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स को हम लोग इन्फॉर्म करती हूँ इस बारे में। स्टूडेंट को क्या लाभ होगा? देखिए आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्लेसमेंट के, तो उसमें प्लेसमेंट के हिसाब से हम लोग स्टडी देती हूँ स्टूडेंट्स को, यही है फ़ायदा कि एक एक कॉलेज अगर इस तरह से होगा जो आफ्टर टेकिंग द एडमिशन्स आफ्टर गेटिंग द क्वालिफिकेशंस वो अगर कोई
इंस्टीट्यूशन या कोई पढ़ाने के लिए जाता है तो वो लोग अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और जो हम लोगों का जो जो चाकरी नौकरी का जो हम लोगों का जो ये है ना, उसमें बहुत सारा गाइडेंस मिलता है। आज रानीगंज में इस तरह का कैंप किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स बहुत ईगरली इसमें इंक्वायरीज कर रहे हैं हम लोगों को, तो ये देख के अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स में अवेयर है कि उन लोगों को भी जानकारी मिलना चाहिए मैनेजमेंट कॉलेज किस तरह से होता है, उन लोग में एडमिशन होने के बाद उन लोग कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में उन लोगों को जानकारी मिला, उन लोग भी इंटरेस्टेड है कि ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। आपका परिचय? मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा कॉलेज से तरफ से आई हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज, ये मुकुंदपुर कोलकाता में है, ये मैकआउट एफिलिएटेड है। आपका नाम? मेरा नाम झुम्पा चक्रवर्ती है। थैंक यू। जैसे आए और हमारा कैंपस 9 एकर लैंड के ऊपर है, लास्ट में 2015 से हम लोग का यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हम लोग लगभग 16 स्कूल्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स स्टडी करवाते हैं, जैसे फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, पैरामेडिकल है, और उसके बाद हम लोग का साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, सारा कोर्सेस है। यहाँ पे भी टेक में 3 स्पेशलाइजेशन है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड रोबोटिक्स। तो हम लोग का प्लेसमेंट शेक और लास्ट ईयर से 98% हाइस्ट पैकेज अगर आप देखेंगे ऑल ओवर, हम लोग का 16 लाख पैकेज किया है। और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, PCI से एफिलिएशन है। यहाँ पे लॉ पढ़ाया, लॉ स्टडी कराया जाता है, जैसे कि हम लोग का PLLB, GPLLB, LLB, LLM, ये सारा कोर्सेस हम लोग का यहाँ पे अवेलेबल है। और अभी हम लोग का एडमिशन्स ओपन है, अगर आप लोगों को एडमिशन्स बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, जैसे कि 7975908698। मेरा नाम सुदेशना सरकार है, मैं यहाँ पे एडमिशन मैनेजर हूँ। मिडिल फैमिली से जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए मतलब क्या फैसिलिटीज़ आपकी? यहाँ पे स्कॉलरशिप का फैसिलिटीज है, जैसे आपका 60% अगर ऑल थ्रू रहा, जैसे 10-12 में आपको 60% से आपको 90% तक अगर स्टूडेंट्स लोग का मार्क्स रहता है तो वहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फीस वेव हो जाने का भी चांसेस है। मतलब स्कॉलरशिप हम लोग का मोटो ही है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स को कम बजट में स्टडी करवाया जाए। यहाँ पे जो कोर्सेज फीस है, जैसे कि हम लोग का 1 लाख से स्टार्टिंग फ्रॉम आपका 6 लाख तक सब मतलब रेंज में ही कोर्सेज है, मतलब ऐसा नहीं। और उसके ऊपर भी स्कॉलरशिप भी है, जैसे गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप, हम लोग का स्कॉलरशिप, हम लोग का मेधा बीटी स्कॉलरशिप है, विद्या लवकर स्कॉलरशिप है, आर्मी पर्सन के लिए स्कॉलरशिप है, जो लोग स्पोर्ट्स में है उसके ऊपर भी स्कॉलरशिप है। तो ये सारा फैसिलिटीज आपका मतलब अवेलेबल हो। थैंक यू। यूनिवर्सिटी से आए हैं मेन कैंपस सॉल्ट लेक से, हम लोग 2 कोर्स लेके आए हैं, बीकॉम ऑनर्स फिनेंस एंड अकाउंट्स एंड BSc डेटा साइंस, जो कि टोटली प्रोफेशनल कोर्स है, एज वेल एज दिस इज अ 100% जॉब गारंटी कोर्सेस। और इसका फीस स्ट्रक्चर और जो है बीकॉम का अराउंड 3 लैक्स 10,000 एंड डेटा साइंस का 4 लैक्स 10,000। वी आर प्रोवाइडिंग द 100% लोन ऑल्सो एंड दिस इज अ 100% जॉब गारंटी। आपका परिचय? मेरा नाम यरम नाजरीन है, हम टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम द डेप्यूटी मैनेजर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। थैंक यू। दुर्गापुर एजुकेटेड एट कमलपुर नाशिम रोड, वी आर लाइक क्लासेज फ्रॉम क्लास 12, सो द स्टूडेंट्स लाइक वी आर इंस्टॉल एंड देन वी आर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स लाइक दे वांट टू अचीव फॉर फ्यूचर लाइक बेटर फ्यूचर एंड ऑल, वी आर देयर टू हेल्प देम, वी आर देयर टू गाइड देम एंड द स्कूल सिटी लाइक pollution free environment, okay, and students and all, we are opening one center also, like city center, like offering daycare, transport facilities, hospital level students, like we are offering, like we have limited seats, so and class 11 we are having both streams, science and commerce. आपका परिचय बोलिए। परिचय, I am Vibha Mukherjee, the administrator of the school. I look after the admission and charge. If any problem, you can call me also.
the school website is www.coursesinternationalschool.com. Thank you. Thank you. আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সৌভিক চট্টোপাধ্যায় এবং আমার সাথে রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মৈরিকা দাস এবং আমাদের ডিরেক্টর স্যার রয়েছেন ডক্টর সুব্রপ্রকাশ ভট্টাচার্য এবং আমাদের লেকচারার রাজেশ শ্যাম পাল। অ্যাকচুয়ালি আমরা এই শিল্পাঞ্চলের মধ্যে আমরা প্রথম ফার্মেসি কলেজ যারা এই রানীগঞ্জ এবং লোকাল যে আমাদের যে কয়লাখনি অঞ্চল রয়েছে সেখানে আমরা ফার্মেসি শিক্ষার প্রসারটা ঘটাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফার্মেসি শিক্ষার আমরা যে আজকে এসেছি এই যে মহতী যে উদ্যোগ আমাদের যে এডুকেশন ফেয়ার হচ্ছে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে, এটার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে আমাদের যে ফার্মেসি ক্যারিয়ারটা সেটা কিন্তু 10+2 অর্থাৎ ক্লাস টুয়েলভের পর, যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবক অভিভাবিকারা দিশেহারা হয়ে যান যে তারা ফিউচারে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে কোন জায়গায় দিতে চান। এবং আমরা জানি যে রানীগঞ্জ আমাদের এমন একটা জায়গা যেটা কিন্তু একটা মফস্বল শহর এবং এখানে কিন্তু শিক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতাটা খুবই কম। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা পাণ্ডবেশ্বর স্কুল অফ ফার্মেসি আমরা একটা কমিটমেন্ট নিয়ে আসছি যে আমরা আমাদের যে এরিয়া তাদের শুধুমাত্র আমাদের যে কলেজকে প্রমোট করা শুধু তাই নয়, আমাদের যে ফার্মেসি পেশা ফার্মেসি প্রফেশনটা কি সেটা সম্বন্ধে আমরা জানাতে চাই। আমরা আমাদের যে উদ্যোগটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা হয়তো জানবেন যে বিশ্বব্যাপী যে মহামারী হলো করোনা মহামারী, সেটাতে কিন্তু আমাদের পৃথিবী মোটামুটি একটা চেঞ্জ বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসছে। এবং সেখানে যদি আমরা আগের ক্ষেত্রে দেখি সেখানে যেমন বিটেকের মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাহিদা যতটা ছিল সেখানে কিন্তু সেটা অনেক তলানি। তো সায়েন্স পড়বার পর আমরা এটাই বলতে চাই যে তারা ফার্মেসিতে আসুক, কারণ ফার্মেসি এমন একটা কেরিয়ার যার মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে কীভাবে ওষুধ বানানো হয় সেই ওষুধের কীভাবে সেটা নিয়ে রিসার্চ করা হয়, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, তার সাথে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, তার সাথে এখন যে আইটি সেক্টর সরকার তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরে এখন আপনারা জানেন যে ফার্মাকোভিজিলেন্স বলে একটা নতুন সেক্টর খুলেছে, তার মাধ্যমে আমরা কি আপনারা জানবেন যে এই করোনার যে ভ্যাকসিন সেই ভ্যাকসিনে যে অ্যানাফাইলেটিক শক অর্থাৎ যে তার সাইড ইফেক্ট সম্বন্ধে যে সমস্যাগুলো হচ্ছিলো সেগুলো কিন্তু একটা ফার্মাসিস্টই ডিল করে। তার সাথে আমাদের যে বর্তমানে যে বিভিন্ন কমিউনিটি ফার্মেসি এবং হসপিটাল ফার্মেসি তাদের কিন্তু ফার্মাসিস্টরা ওষুধ ডিসপেন্সিংয়ের কাজটা করে থাকে। সো ডাক্তারের কাজ যেমন ডায়াগনোসিস পার্টটা, ফার্মাসিস্টের কাজ কিন্তু বাকিটা, অর্থাৎ ডাক্তার যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফার্মাসিস্টের কাজটা কিন্তু সেই জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে। রিগার্ডিং আপনি ওষুধ তৈরি করা বলুন, সেই পেশেন্টকে প্রপার কাউন্সিলিং করানো বলুন বা পেশেন্টের প্রিভিয়াস কী হিস্ট্রি আছে সেটা সম্বন্ধে জানানো বলুন, সমস্ত কাজটাই কিন্তু আমরা এডুকেটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পেশেন্ট কাউন্সিলার সমস্ত কাজটাই আমরা ফার্মাসিস্টরাই করছি। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা পাণ্ডবেশ্বর স্কুল অফ ফার্মেসি এখন আমরা 2019 সালে আমাদের তৈরি হয়, আমরা বেসিক্যালি আমাদের ব্লসমিং অ্যাঞ্জেলস ট্রাস্টের আন্ডারে। তো আমরা জেনারেলি এখন দুটো কোর্স করাচ্ছি, দ্যাট ইজ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ভোকেশনাল কোর্স তার আন্ডারে, এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা প্রিভিয়াসলি WBUT তার আন্ডারে আমাদের ব্যাচেলার কোর্স অর্থাৎ BPharm। আমাদের যে ডিপ্লোমা কোর্সটা সেটা 10+2 সায়েন্সে পড়ে 2 বছরের কোর্স, এবং আমাদের যে BPharm কোর্সটা সেটা কিন্তু আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বা JEE তারপরে আপনারা আসতে পারেন, এবং সেটা কমপ্লিটলি 4 বছরের কোর্স। এবং তার জন্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমাদের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স অথবা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজিতে 45% মার্কস যদি থাকে তাহলে। এবং আমাদের কলেজের একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমাদের কলেজ কিন্তু কমপ্লিটলি AICTE এবং PCI অ্যাফিলিয়েটেড, সেটা কিন্তু অন্যান্য অনেক কলেজের থেকে আমরা এগিয়ে। তার সাথে আমাদের কলেজের যিনি ডিরেক্টর স্যার ডক্টর সুব্রপ্রকাশ ভট্টাচার্য তিনি কিন্তু দীর্ঘ তার 17 থেকে 18 বছরের এক্সপিরিয়েন্স, শুধুমাত্র বেসিক্যালি আমরা যে ESP বলতে পারেন দ্যাট ইজ ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট, ঠিক আছে, প্লেসমেন্টের দিক দিয়ে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অগ্রণী। আমাদের ওভারঅল যদি আপনি প্রেজেন্স দেখেন আমাদের ওভারঅল প্রেজেন্স কিন্তু অনেক ভালো, আমাদের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে মৌ রয়েছে, সিগমেন্ট ডোমেস্টিক প্ল্যান্ট থেকে শুরু করে ন্যাশনাল লেভেলে গোয়া দমন থেকে শুরু করে প্রচুর আমাদের জায়গাতে আমাদের ব্যাপ্তি রয়েছে। এবং আমরা ইনকিউবেশন সেল বা অন্টারপ্রিনিয়রশিপের উপরেও গুরুত্ব দিচ্ছি, এবং ভবিষ্যতে আমরা কিন্তু ন্যাশনাল বোর্ড অফ অ্যাক্রিডিশন বা NBA জন্য কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তো সুতরাং মানে আমরা চাইবো যে আপনারা ফার্মেসি কোর্সটা সম্বন্ধে জানুন এবং অবশ্যই পাণ্ডবেশ্বর স্কুল অফ ফার্মেসিকে অগ্রাধিকার দিন। ধন্যবাদ। जो ऑर्गेनाइज किया गया करियर 21 की तरफ से मिस्टर बी के सिंह कोलकाता जो है यहाँ पर, सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो कॉलेज RIT रुड़की ये बेसिकली उत्तराखंड में है, और एक्चुअली यहाँ जो बच्चे के लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो बच्चे अपने करियर से गाइडलाइन से कट जाते हैं, सर हम उसी को मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं कि जो क्या सही और क्या गलत है। बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड है बट वो अपना करियर पाथ नहीं चुन पाते हैं, तो सर बच्चे के राइट गाइडेंस की वजह से ये हम लोग आए हैं। और ये जो सर कॉलेज हमारा है ये सर ऑलमोस्ट 2005 की कॉलेज है, और सर हमारे जो कॉलेज में है वो एप्पल की इनोवेशन सेंटर है, एप्पल के एम्प्लॉय आते हैं बच्चे को ट्रेनिंग देते जाते हैं,
ठीक है। इसके अलावा हमारा आपको टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल लैब है, मतलब जो अभी एडवांस जो काम चल रही है इंडस्ट्री में, हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। सर ये हमारा एक लौटा कॉलेज है जो बच्चे को, सर हम लोग जॉब एक्सपीरियंस लेटर देते हैं कुछ क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। हमारे यहाँ डिफरेंट कोर्सेज है जैसे इंजीनियरिंग, एमबीए सर हमारे यहाँ जो है वो प्लस एमबीए प्लस प्लस है और एमबीए ग्लोबल है, जो कि सर बहुत ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड और एडवांस है। इसके अलावा सर हमारा बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स है, जो कि सर सिर्फ बहुत ही कम कॉलेज है पूरे उत्तराखंड में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। बच्चे की जो डिग्री मिलती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है और वो आईसीआर फंडेड है, मीन्स आईसीआर की फंड आती है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए। इसके अलावा सर पैरामेडिकल कोर्सेज है, डिप्लोमाज है, ठीक है। सर बच्चों को हम लोग इस तरह से तैयार टेक्निकली तैयार कर देते हैं कि बच्चे को उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचना ना हो। हम लोग कैंपस के साथ साथ ऑफ कैंपसिंग भी कराते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ सर लास्ट ईयर जो है स्पेशली बीटेक कंप्यूटर साइंस, ईसी सिविल, एमबीए एंड एमसीए का सर ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा प्लेसमेंट हो चुका है बच्चों का, जॉब प्लेसमेंट, ठीक है। और सर अभी जो 23 के पास आउट बच्चे हैं, लगभग सर 50% बच्चों का हमारे यहाँ अभी तक प्लेसमेंट हो चुका है 23 वाले का, जो अभी पास होंगे, ठीक है। तो सर हमारा जो अभी कुछ दिन पहले ही जैसे अभी आए थे, अभी जा करके गो टू द न्यू एक स्टार्टअप कंपनी है नोएडा की जो एमएनसीज है, अभी ऑलमोस्ट 7 बच्चे को 6 लाख का टारगेट मिलेगा कैंपस सिलेक्शन। तो इस तरह करके सर जब वेबसाइट जाइएगा या तो बच्चे को बहुत सारा डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगा। और सर जो एडमिशन की जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होती है ओनली थ्रू जेएमएस, बच्चे जेएमएस में मेरिट के बेसिस पे ही आते हैं, या तो फिर है कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो एक पास करेगा बच्चा, फिर टेक्निकल राउंड पास करता है, उसके बाद ही बच्चे को एडमिशन मिलती है, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिल पाता क्योंकि सीट्स बहुत कम है हमारे यहाँ लिमिटेड। आपका परिचय? सर मैं कॉलेज की तरफ से हूँ, मेरा नाम है शादाब कुरैशी, मैं पूरे आपको एडमिशन सेल देखता हूँ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। थैंक यू। दिसंबर को फिर बीबीए का ये है, रेगुलर कंपनी आ रही है, कोई भी कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी दे, प्लेसमेंट आपको लेना है 5 लाख 7 लाख 6 लाख का एवरेज पैकेज भी है, बीबीए का गुड बजट फी। तो अगर स्टूडेंट चाहे तो परसू कर सकते हैं हमारे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेना चाहेंगे हम, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे वीडियो को ताकि स्टूडेंट बोर ना हो। 70,000 बता देता हूँ आपका बैंगलोर का गिब्स इंस्टीट्यूट, जिसको फुल फॉर्म है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्कूल, ये बैंगलोर में है और यहाँ पे दो कोर्सेज है, एक है PDGM और एक है BBA। PDGM का 8,025 lakhs कोर्स का प्राइस एंड पैकेज है एंड BBA का पैकेज है 4,60,000। आप कंबाइन भी कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। ये इंडिया में टॉप रेटिंग में 5th पोजीशन पे आता है, इसका रेटिंग बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट 100% है, 100+ है, नॉट इवन 100%। एवरी स्टूडेंट कैन गेट एटलीस्ट मोर देन वन प्लेस ऑल्सो प्लेसमेंट एंड अब्रॉड भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ के अब्रॉड भी प्लेस्ड हुए हैं। आपका परिचय? मैं लॉली सिंह, अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग वेयर वी डेवलप सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई में आपको क्या होता है, वेयर स्टूडेंट्स learn to take opportunities from problems and build themselves into a perfect and successful business. यहाँ पर BBA का क्लासेस चलता है, PDGM का क्लासेस चलता है, BCA है, पैकेज भी फ्लेक्सीबल है। Gaurav, I am representing AIIMS Institutes, Bangalore, Peenya, and we also have Mr. Rohit, who is also representing AIIMS Institutes. And we offer various courses in undergraduate and postgraduate, like we have BBA, BBA Graduation, BCom, BHM, BHM Global, MBA, PGDL. So these are the main courses that we offer. Apart from that, we also offer BSc, we also offer BA. So if you have any queries related to career opportunities after 12th or after your undergraduation, you can always visit our store. We are coming up with AIIMS Institutes. Now, in this disruptive world,
where there has been a challenging perspective for a particular candidate to select a course and also to judge oneself by his or her capabilities. It requires a lot of knowledge as well as it requires an institute which is having cutting edge technologies along with training and placement opportunities for a particular candidate. AIMS, being one of the most premier institutes not only of Bangalore but of the entire nation of India, has evolved with a lot of courses which are industry oriented, lot of courses which have furthermore opportunities after the completion of courses, lot of research work, lot of internship projects, lot of scope to go abroad even. So students could get an opportunity to judge themselves where they stand, what are their passions and where they want to be in the coming few years. Thank you so much. फ्रॉम कैम्पी चिंचवड़ एजुकेशन ट्रस्ट पुणे. अपना जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो 32 ईयर ओल्ड ट्रस्ट है जिसके अंडर में अपने 10 कॉलेज रन करते हैं. इसमें 4 इंजीनियरिंग प्रोग्राम के कॉलेज हैं, एक आपका आर्किटेक्चर है, एक आपका प्रोग्राम जो चलता है वो पुणे बिजनेस स्कूल में PGDM प्रोग्राम रन करता है. इसी का प्रमोशन करने के लिए हम रानीगंज आए हुए हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है. यहाँ पर जो लोग मिले हैं वो बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा नंबर हम यहाँ से एडमिशन के लिए लेकर भी जाएंगे और उन बच्चों को हम आगे अच्छा प्लेसमेंट भी कराएंगे. थैंक यू सो मच. ASMIB में पुणे थे कि एसजी যেটা আমাদের অফিস হচ্ছে কলকাতায় আছে, কলকাতার অফিস থেকে আমরা এখানে এসেছি আর আমাদের কলেজ হচ্ছে পুনেতে আছে আর বম্বেতে আছে. এটা আমরা MBA PGDM কোর্সের জন্য আমরা এখানে এসেছি. এটা অনেক পুরনো বছর, মানে 40 বছরের পুরনো কলেজ আর এই বছরে যেটা MBA ব্যাচ থাকবে সেটা হচ্ছে 33তম ব্যাচ. আমাদের PGDM কোর্সটা ভীষণ ইউনিক, ডুয়েল স্পেশালাইজেশন থাকে, ডুয়েল মেজর. তো তার মানে স্টুডেন্টসরা দুটো মেজর সাবজেক্ট পেলে দুটো প্রোগ্রামেই তার প্লেসমেন্ট হয়. প্লেসমেন্ট মোটামুটি 100% স্টুডেন্টের স্ট্রেংথ খুব কম থাকে. আমাদের PGDM-এর টোটাল কোর্স ফিস আছে 6,50,000 এবং সিট ক্যাপাসিটি আছে 120টা. আর MBA-র জন্য আমাদের সিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 120টা, যার মধ্যে 80টা সিট বেসিক্যালি হচ্ছে অল ওভার ইন্ডিয়ার জন্য এবং 40টা সিট থাকে স্পেশালি যেটা মহারাষ্ট্রিয়ান ক্যান্ডিডেট জন্য যারা স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করে আসে. আর ন্যাচারাল আমাদের প্লেসমেন্ট খুবই ভালো হয়, কারণ হচ্ছে প্লেসমেন্ট এত কম সিটের আমাদের গ্যারেন্টেড প্লেসমেন্ট. PGDM-এর পুরো রিটেন প্লেসমেন্ট অপরচুনিটির জন্য যেটা থাকে আমরা এটা সিলেকশন মেলে ওটা পাঠাই. আপনার পরিচয়? আমি হচ্ছে সুচেতা দেব. আমি ASMIB-এ 4 বছর ধরে আমি কাজ করছি কলকাতা অফিস থেকে এবং আমি হচ্ছে অ্যাডমিশন কাউন্সিলর. আর আমার ফোন নাম্বার যোগাযোগ করতে কাউন্সিলিং করবানে কে লিয়ে আই থি. কিস চিজ কে লিয়ে? करियर के लिए. अच्छा, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं? यहाँ पे आए हैं, आने के बाद यहाँ पे स्टॉल वगैरह देखे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ देखने को भी मिल रहा है बच्चे लोग के लिए, मतलब उन लोग के हिसाब से अच्छा लग रहा है. क्या लगता है स्टूडेंट को कितना फायदा इससे? फायदा तो होगा अगर वो सही से मतलब गाइडेंस अच्छा दे रहे हैं. अच्छा, जैसे गाइड कर रहे हैं बच्चे लोग को, वो अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा. कौन कौन से इंस्टीट्यूट के डेस्क पे गए थे? हम तो सिर्फ सी ए के कॉमर्स के उसमें गए थे डेस्क पे. अच्छा, साइंस तो यहाँ पे नहीं है. अच्छा अच्छा, साइंस के लिए नहीं है, सिर्फ कॉमर्स के हिसाब से गए थे. कॉमर्स में बच्चा लोग लेना चाह रहा था. आपका परिचय? श्वेता बगड़िया. थैंक यू. लोग यहाँ पे वही कंफर्म करने की, मतलब करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, वही सीधा जानने आए थे. आप लोग किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम के ही है, सब कुछ. अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जानकारी आप लोगों को किस तरह से दिया गया? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा से सब कुछ क्लियर, ये जो भी चीज़ माइंड में था नहीं वो भी जानने को मिला. कहाँ से आए थे यहाँ पे आप लोग? यहीं के लोग. अच्छा अच्छा, चाय पिला भाई. क्या क्या जानकारी यहाँ पे आज प्राप्त हुआ आप लोगों को? MBA रिगार्डिंग सब कुछ जानने मिला, जो चीज़ नहीं जानते थे वो भी जानने मिला और जो चीज़ जानते थे उसके बारे में ज़्यादा अच्छा से समझा, बढ़िया से कुछ अच्छा. आगे फ्यूचर? आगे आगे चल करके फ्यूचर में, मतलब क्या यहाँ से जो जानकारी मिला है वो आप लोगों के काबिल है, काम आएंगे? मुझे तो लगता है एकदम होगा, क्योंकि इतना अच्छा सजेशन कोई देता नहीं है, तो हाँ आए तो एजुकेशन अच्छा ही रहा. धन्यवाद.
कहना चाहेंगे किसी को? मैं आसनसोल की रहने वाली हूँ। मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ और एज ए करियर गाइडेंस क्लास 10, 11, 12, 9 के स्टूडेंट्स लोग को प्रोवाइड करती हूँ करियर गाइडेंस। और मैं ट्यूशन भी, प्राइवेट ट्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ। और लाइक ये रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो करियर मेगा फेयर बोल सकते हैं हम लोग, एडुकेशन फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बिकॉज स्टूडेंट्स लोग को नॉलेज नहीं होता है कि हम लोग को करना क्या है। जस्ट घर में ऐसे बोलते हैं साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो या कुछ भी कर लो, बट वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोग अपने स्ट्रेंथ को, अपना इंटरेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे सेमिनार, ऐसे फेयर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आज के जनरेशन के स्टूडेंट लोग को एक अच्छा दिशा दिखाना, एक पाथ दिखाना, ये उनके लाइक सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कहीं ना कहीं हम ही सीनियर्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अवेयरनेस फैलाएं कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, आप आइए, अटेंड करिए। इट्स अ पॉजिटिव, मतलब एक वे है कि आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। नॉलेज का कभी एंड नहीं हो सकता, नॉलेज इतना वास्ट है, तो जितना आप ग्रैब कर सके ना, ये आपके ऊपर है कि हमको कितना ग्रैब करना है, कितना लेना है, क्या करना है। सिर्फ कुछ रिनाउंड कोर्सेज ही हम लोग जानते हैं, बट आइए डेप्थ में, मल्टीपल कोर्सेज है, मल्टीपल पीपल है यहाँ पे बताने के लिए। आपको सही पता चलेगा हम कर क्या सकते हैं। सबका अपना बजट होता है, क्या मेरे बजट फ्रेंडली है, क्या मेरे बजट फ्रेंडली नहीं है, हमको इतना दिन में ही कोर्स कंप्लीट करना है, ड्यूरेशन पता चलता है। कोई बोलता है यार 5 साल का कोर्स बहुत टाइम टेकिंग है, 3 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्सेज है, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो हम बोलेंगे लोगों को आना चाहिए, जागरूक बनिए और सबको बोलिए, मोटिवेट करिए कि नहीं आइए, ये फेयर अटेंड करिए, फिर ऐसे फेयर और होते रहेंगे, बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू। आपका परिचय? বিভিন্ন রকম কেরিয়ার কোর্স নিয়ে জানতে পেরেছি আমাদের কোনটা কোন কোর্সটাতে আমরা গেলে পরে আমাদের ফিউচারটা আরও ভালো হবে, বেটার হবে, ওই কোর্সের সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছে। আমাদের মতো মানে ওভারঅল খুব ভালো লেগেছে ব্যাপারটা, আমাদের অনেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে, আমরা খুব বেনিফিটেড হয়েছে। আর ভালো লাগনা চাই বাদ মেয়ে আমাদের ভালো হয়, সুবিধা হয়, ভালো লাগে। फ्यूचर में आपको यहाँ का जो जानकारी मिला, इससे बेनिफिट्स मिलेगा? ये प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराया था, आप लोगों को जानकारी है? रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स। उनको थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना चाहेंगे आप लोग? थैंक यू फॉर दिस। और एक चीज़ हम लोग चाहते हैं कि आप दोस्त